अगर आप लोगों के उंगलियां रोने पे फास्ट नहीं चलती हैं तो आप लोग परेशान मत होइए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी म्यूजिक बताऊंगा, अगर आप लोग इस म्यूजिक को हारमोनियम पे बजाओगे, इसका अभ्यास करोगे, तो आप लोगों की उंगलियों की रफ्तार तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आपका म्यूजिक भी कंप्लीट होगा, यानी कि एक काम से दो काम हो जाएंगे। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वॉल पर जरूर प्रेस करें। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार म्यूजिक पार्ट बजा करके दिखा दूं कि म्यूजिक पार्ट आपको क्या बजाना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस म्यूजिक पार्ट में कौन कौन से आपके सुर लगेंगे और इसको कैसे बजाना है, ताकि आपकी फिंगरों की रफ्तार बढ़े और आप इस म्यूजिक को भी बजा लो अच्छी तरीके से। तो ये हमारा म्यूजिक पार्ट है, इसी म्यूजिक पार्ट को आपको सीखना है और बजाना है। काफी लोग इस म्यूजिक के बारे में समझ भी गए होंगे कि ये म्यूजिक किस गाने की है, जो जिन्होंने इस गाने को सुना है उनको पता चल गया होगा। अब आओ मैं आप लोगों को इस म्यूजिक पार्ट को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से सुर लगेंगे, कैसे आपको बजाना है। तो इस म्यूजिक पार्ट को मैं आप लोगों को दूसरी काली डी शार्प से बता रहा हूँ, ये हमारा सा बनेगा। सबसे पहले आपको बजाना है। अब इसमें क्या बजा, इसमें आपका बजा देखो प्यारे। अब इसमें आपके सुर लग रहे हैं पासा नीसा। इसमें आपके सुर लग रहे हैं, आपका पा लग रहा है, तार सप्तक का सा लग रहा है, नी लग रहा है, सा लग रहा है। ये आपका हो जाएगा देखो प्यारे, ये गाने के बोल हैं देखो प्यारे। फिर इसके बाद क्या बजाना है, इसके बाद है ये नजारे। अब इसमें आपके सुर लग रहे हैं पानी धानी। इसमें आपके सुर लग रहे हैं पा कोमल नी धा और फिर नी। ये आपका बच जाएगा ये नजारे ये नजारे। अब इतना आपका भाग कंप्लीट हो गया, कितना देखो प्यारे ये नजारे, आपका इतना भाग कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये दीवाने ये दीवाने। अब ये दीवाने इसमें कौन सुर लग रहे हैं, इसमें आपके सुर लग रहे हैं माधा पाधा, आपका मा कोमल धा और पा और फिर धा। ये आपका बच जाएगा ये दीवाने माधा पाधा। अब आपका इतना पार्ट कंप्लीट होगा, एक बार इसको साथ में देखें। इस प्रकार से आपको इतने पार्ट को बजाना है। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है ये परवाने। अब इसमें सुर कौन कौन से लग रहे हैं, आपके सुर लग रहे हैं गापा मापा, इसमें आपका कोमल गा लग रहा है, पा लग रहा है और तीव्र मा लग रहा है और फिर पा लग रहा है। ये आपका बज जाएगा ये परवाने। अब इस गाने के आपके चार स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, अब इनको एक बार एक साथ में देख लो कैसे बजाना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या बजाना है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है इश्क में कैसे गुम, इश्क में कैसे गुम। अब है इश्क में कैसे गुम, इसमें कौन कौन सो लग रहे हैं ध्यान से देखेंगे। आपका कोमल गा लग रहा है, पा लग रहा है और कोमल नी लग रही है, नी के बाद फिर पा लग रहा है, फिर कोमल गा लग रहा है और फिर सा और फिर शुद्ध रे पे आपको लास्ट में रुकना है। जैसे देखना गा पा नी पा गा सा रे। इस प्रकार से आपका पूरा पैटर्न ये बजेगा। अब इसको फास्ट कैसे बजाओगे वो देखो, क्योंकि जब तक आप फास्ट नहीं बजाओगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। आपको इसको फास्ट ही रियाज करना बजाना है, पहले आपको स्लो बजाना है ताकि आपकी फिंगर अच्छे से इसमें बैठ जाएं, उसके बाद आपको फास्ट इसको करना है। जैसे देखना इस प्रकार से आपको इसको फास्ट जितना कर पाओ उतना फास्ट आपको अच्छे से करना है। फिर इसके बाद आपका वो गाना बजता है क्या, हाय तुमसे मिलके दिल का हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग चाहोगे तो मैं इस पूरे गाने का ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद।